आज हमारा जो मुख्य एजेंडा परिचय दें है, आप पहले आप मैं क्योंकि परिचय में जी संजीवन शर्मा, पेशे से वकील भी हूँ। 372 नंबर मेरा चैम्बर है और मैं पिछले 14 साल से कांग्रेस में काम कर रहा, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी विशेष पद पे भी नहीं रहा, ना मैं कभी किसी मतलब ऐसे आधिकारिक पद पे भी नहीं रहा। पार्टी के अंदर मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं पिछले 2012 से लेके 22 हो गया, मतलब 10 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। और इससे पहले मेरा पूरा परिवार कांग्रेस के साथ था। हमारे यहाँ से जयसिंह राणा जी एमएलए बनते थे, वो 4 बार एमएलए रहे, एक बार उन्होंने चुनाव हारा, उनके साथ रहते थे। मेरी पूरी पृष्ठभूमि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, कोई राजनीतिक नहीं है। गाँव पदाणा है मेरा, रहता मैं GF 23 CHD सिटी करनाल में जी। वहाँ मेरा अपना मकान है, छोटा सा मेरा काम है, एक व्यापार का थोड़ा काम है, छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा। एक व्यक्तिगत मेरा परिचय ये है, छोटे से घर से आया हूँ मैं। मेरे फादर साहब पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन का कार्य करते थे, उनका मैं लड़का हूँ। तो मैं आपको अपने बारे में तो मैंने ये बता दिया कि मेरा परिचय ये है। मैं पिछले 12-13 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। ठीक ठाक जो सलमान खुर्शीद जी जो विदेश मंत्री होते थे, वो जब विदेश मंत्री थे तो उनकी घरवाली 2 बार उस टाइम मेरे घर भी आई थी, 2 बार उनका मैंने प्रोग्राम किया था। वीरप्पा मोइली जो पूर्व मंत्री थे, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उनके साथ भी मेरे अच्छे संबंध थे। हुड्डा साहब गवर्नमेंट में थे, CM साहब भी मेरे को अच्छी तरह से, उनके राजनीतिक सलाहकार हैं प्रोफेसर वीरेंद्र जी, वो भी मेरे घर के आदमी थे। मतलब सारे जो कांग्रेस की वो थी, वो सारी टीम मेरे को जानती है अच्छी तरह से। मैं पिछले 12-13 साल से निरंतर कार्य कर रहा हूँ, एक मतलब निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी में। सभी के साथ काम किया है, निस्वार्थ भाव से किया है, जिसके साथ रहे पूरे मतलब परिपक्वता से रहे, कभी मतलब दो तो फ्राड के साथ नहीं रहे। ऊपरली जो AICC के कुछ सदस्य हैं, जिनको मतलब आप हमारे प्रभारी जी हैं, विवेक बंसल जी हैं जो, वो भी मेरे को मतलब अपना बच्चा मानते हैं और उनके साथ भी मेरे अच्छे संबंध हैं। कोई भी मतलब जितने भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी परिवार है, परिवार के साथ हमने परिवार के रूप में काम किया। जी मेरा आज मुख्य उद्देश्य प्रेस को बुलाने का और उनसे साथ मुखर होने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल हाशिए पे चली गई है और इसका बहुत बड़ा कारण कांग्रेस की आपसी फूट का है। कांग्रेस के कई धड़े आपस में विरोध करते हैं, उनके पल्ला कुछ है नहीं। या तो आप सरकार में हो, बाद में आप आ जाते हो, उसके बाद लड़ाई हो, लेकिन सरकार ही नहीं है, लड़ाई पहले है। ये कांग्रेस का, मैंने पिछले 25 दिन यूपी इलेक्शन में काम किया है, धरातल से काम किया है और ऊपर तक। एक एक आदमी में कम से कम 2000 किलोमीटर की यात्रा किया मैंने, 1800-2000, जिसमें राजवीर जी मेरे साथ थे। मैंने कम से कम 403 में से 352 कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच किया है। पत्रकार का काम तो होता है कि वो अपने एरिया में जाता है, सर्वे करता है, रिपोर्ट करता है। मेरा कोई ऐसा कार्य नहीं था। बंसल जी चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से, सलमान साहब की घरवाली वहाँ से चुनाव लड़ रही थी फरुखाबाद से, हमारे प्रभारी जी चुनाव लड़ रहे थे। मैं हर एक क्षेत्र में गया, मैंने हर एक आदमी को टच किया, उनसे पूछा। वो आदमी ऐसा भी था जो 5 रुपये में अंदर बाथरूम कराता है, जिसकी ड्यूटी बाथरूम पे है। वो ऐसे आदमी भी थे जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जिनकी कई हजारों करोड़ की टर्नओवर थी, और इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी, उनको भी टच किया। तो हमारा सवाल होता था कि भाई आज हम इस हादसे पे क्यों, हम कांग्रेस की तरफ से अपना काम कर रहे थे, भाई हमारी दुर्गति ऐसे क्यों। वो कहने लगे कि हमारे फादर थे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो कांग्रेस को वोट देते थे, आज कांग्रेस को युवा वर्ग ने भी नकार दिया है। वो किस वजह से, आपसी कलेश। आज एक प्रोग्राम हो रहा है आपके पड़ोस में, कुरुक्षेत्र है, हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, उसका व्यक्तिगत प्रोग्राम है, मेन एजेंडा ये है। विपक्ष आपके समक्ष, वो पिछले 6 महीने से इस प्रोग्राम को लेके हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, उसके साथ कुछ विधायक हैं जो उसके अपने हैं। किस एजेंडे पे ये प्रोग्राम सेट किया हुआ है? AICC ने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं भेज रखा कि आपने लोगों के बीच में जाना है और इस आवाज को उठाना है, लोगों से मिलके आप किस एजेंडे पे काम कर रहे हो इस प्रोग्राम में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की शैलजा जी हैं जो अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत प्रोग्राम नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत प्रोग्राम है। वो अपने व्यक्तिगत प्रोग्राम से हर एक जिले में जा रहे हैं और अपनी जो उनकी साख है उसको टच कर रहे हैं कि भाई मेरा क्या वजूद है, कौन कौन लोग मेरे साथ हैं, किन किन। कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है,
उसके कांग्रेस वाले इसमें से तो आम कांग्रेसवादियों को नुकसान हो गया बहुत बड़ा। जो आम कांग्रेसवादी है वो इस विचारधारा में आ गया कि भाई हम इस प्रोग्राम में जाएं या नहीं जाएं, ये किसका प्रोग्राम है, इसमें मैडम आ रही हैं नहीं, मतलब आंतरिक विरोध इतना हो गया है कि मतलब वो कहीं दूर चला गया, निजी स्वार्थ में है सब। ये उन लोगों का प्रोग्राम भी है जो कांग्रेस के, जिसके हालात जो हैं कांग्रेस के आज, इन लोगों का प्रोग्राम है। आम जन कांग्रेस व्यक्ति इसमें नहीं है, ये कांग्रेस द्वारा कोई अधिकृत प्रोग्राम नहीं है। तो बंटवारा हुआ है कांग्रेस को इसमें, बंटवारी हो। आप प्रदेश अध्यक्ष को एक सिरे पे देखते हो, विधायक दल के नेता को एक सिरे पे देखते हो, तीन चार जो दूसरे आदमी है जो एआईसी के चेयरमैन बताते हैं वो अपने अलग गुट में है, सबके अपने अलग गुट है। तो कांग्रेस सतह पे कहाँ है? संजीवन जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हो, कांग्रेस का हाथ अपने साथ रखकर? कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है। कांग्रेस पार्टी, अगर उनका इतना मनोबल है भाई वो कांग्रेस पार्टी का हाथ अपने साथ रख रहे हैं, तो उनको प्रदेशाध्यक्षों को साथ रखने में या और वर्करों को साथ रखने में क्या बुराई है? नहीं, अपनी पार्टी की तैयारी करें, क्योंकि पहले भी उन्होंने घोषणा करनी थी, लेकिन जब रैली चल रही थी तो रैली से उन्होंने देखा कि भीड़, आज मौका नहीं है, तो वो मौके के तलाश में हो शायद, इसलिए वो कांग्रेस का हाथ साथ लेकर अपनी पार्टी को सक्षम करने में लगे हों। क्योंकि आपने कहा व्यक्तिगत प्रोग्राम है, यस व्यक्तिगत प्रोग्राम है, पार्टी का तो कोई प्रोग्राम, वो इस बारे में सक्षम होने के लिए अलग, मेरा वजूद कांग्रेस के अंदर क्या, मैं कांग्रेस को किस बारे में लोगों को क्या प्रेरित कर सकता हूँ? लेकिन बंटवारे में आप किसी वर्ग के प्रति, किसी विशेष वर्ग के प्रति, किसी विशेष क्षेत्र के प्रति काम करोगे तो आपको जनता स्वीकार नहीं करेगी, नहीं करेगी। ये एक आम जनता की आवाज़ है, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर कोई ये चाहता है कि भी एक विशेष वर्ग और विशेष क्षेत्र को साथ लेके हम चलेंगे, अगर आज वो प्रोग्राम कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर प्रोग्राम है, मैं पत्रकार छायाकार साथियों से पूछना चाहता हूँ, उनसे ये पूछो कि वो श्वेत पत्र जारी करे कुरुक्षेत्र का, उन्होंने 10 साल राज किया इस प्रदेश में, कि उन्होंने कितनी नौकरी, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकूला, श्वेत पत्र जारी करें वो भाई, इस क्षेत्र में उन्होंने इतनी नौकरी सभी जातियों को, 36 बरादरी को, जिसमें वर्ग भी है, सब 36 बरादरी है भाई, उन्होंने कितनी नौकरी इस पूरे उत्तरी हरियाणा को दी है, दक्षिण को कितनी दी है? आपके पास कितना डाटा है? मेरे पास तो डाटा, आप मेरे पास जो एनालिसिस करके जो डाटा है वो बहुत बड़ा डाटा है, उसका भी मैं आपको मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मैं आपको पूरा डाटा आज शाम तक 4 बजे तक 5 बजे तक अवेलेबल करा दूंगा कि इस दौरान इतनी नौकरी लगी, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी लगी है, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी लगी है, और इस क्षेत्र में इतनी लगी है, और इस वर्ग की इतनी लगी है। अब खुलासा कर दें आप, बाई नेम खुलासा ये करेंगे कि किन किन चेहरों की वजह से कांग्रेस नाकाम हुई है, वो कौन कौन से चेहरे, उनके नाम क्या हैं? मेरे को चेहरे की व्यक्तिगत टिप्पणी मैं कर नहीं सकता। 23 जी के जो सदस्य हैं, जिन्होंने पूरा 10 साल या 20 साल जो भी वो पुराने मतलब कांग्रेसी रहे हैं, जिन्होंने उस घर से सब कुछ ले लिया, उस घर से बहुत कुछ लिया, और उस घर ने उनको बहुत कुछ दिया है विपरीत परिस्थितियों में, अगर आप उनके खिलाफ, आप कमजोर भी कर रहे हो साथ भी लगना चाहते हो, दो बातें हैं, आप उन चेहरों की तरफ भी जाते हो। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, यूपी इलेक्शन में एक बड़े नेता का लड़का काफ़ी चर्चा में रहा कि वो आज उसके साथ है, आज वो देखता है, जैसे छोटा नेता बड़े की तरफ देखता है ना कि वो मेरी तरफ देखे और मैं नमस्ते लूँ, तो ऐसे कई कारण थे कि मैं भी वहाँ पे था, मैं नोट करता था कि भाई किसकी क्या भूमिका है, लेकिन उन क्षेत्रों में ये बताए कि हमने यहाँ से इतनी वोट दिलवाई हैं इस कैंडिडेट को। मैं उदाहरण देता हूँ, हमारी एक कैंडिडेट थी पंडित, क्या नाम है जी उसका, पूनम पंडित, जो किसान आंदोलन से गई थी, और प्रियंका जी ने मतलब उनके घर भी गई है, आप उसका डाटा देख लो कि उस पर कितनी वोट आई है, मथुरा में रैली की गई थी, कुछ वोट पड़ी। किसानों की हालत के बारे में तो पंजाब से पता लग चुका है, 500-500 वोट मिले हैं, उसका जिक्र बाद में। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं ना, उसकी टिकट पे थी वो, कांग्रेस की टिकट पे थी वही किसान नेता, किसान नेता का हाल तो आप देख लो पंजाब में, राज्य वाले का क्या नाम देख लो, उनका सबका आपको पता है क्या डाटे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को साथ रहना पड़ेगा,
उसको हास्य पर अगर ले गए हैं तो ये कुछ लोग ले गए हैं जो इसको कमजोर भी करना चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं, मतलब वहां से कुछ मिल भी जाए और इसको कमजोर भी कर ले। ये सुबह बात कर लेते हैं, शाम को मीटिंग कर लेते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। ये बहुत बड़े लेवल की बात है कि मैं पत्रकारों को एक साफ शीशा, मेरे पे किसी प्रकार का दाग नहीं है जी, ना मेरे को डर है किसी बात का। मैंने ठीक ठाक लेवल पे ठीक ठाक आदमियों के साथ में रहा हूँ, ठीक ठाक आदमियों को जानता हूँ मैं। मेरे बहुत बड़े लेवल के पत्रकार दोस्त जो रात को मेरे से रिपोर्ट करते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि वो कॉन्फ्रेंस पे ऐसे आदमियों को लेते थे साथ में जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और जिनकी काफ़ी सीटें आई हैं, वो पूछते थे संजीवन क्या है, क्या रिपोर्ट है। ये मेरे साथ भाई हैं, इनको सब पता है भाई। आज अगर कांग्रेस आशय पे चलेगी तो अपने आप को मार दिया कुछ लोगों ने, यानी कांग्रेस का इतना बड़ा हाल नहीं होता। संजीवन जी, आपने कहा कांग्रेस पार्टी के कई गुट हैं, आप कौन से गुट में हैं? मैं तो कांग्रेस का हूँ, मैं तो पार्टी का हूँ, मैं किसी गुट के साथ नहीं हूँ। इनके कोई ये गुट, मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष के पास चला जाता हूँ तो दूसरे के पास नहीं जाता, तो ये विरोध करते हैं, ये तो आपस में चाय पीते हैं। जब शैलजा जी और प्रभारी जी हुड्डा साहब प्रोग्राम करते हैं और साथ में हलवा खाते हैं, तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टोमी, एक शब्द है, मैं ज़्यादा मतलब वो कहना नहीं चाहता कि मेरा आपका लाइव है, लेकिन गल भाई आपके साथ चला गया तो दुश्मन और मैं चला गया तो दुश्मन, तो मैं थोड़े से मेरे ये शब्द है मैं कि भाई जो लोगों के सामने दिखाई दे रहा है वो कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है। कुछ लोग हैं जो कब्जा करे हुए बैठे हैं, लोगों ने इन कब्जे वाले घरों को भी नकार दिया। आप पंजाब का उदाहरण ले सकते हैं कि घरों को कहाँ बिठा, जो छत्रक थे, जो कांग्रेस के छत्रक थे या और मतलब छत्रक थे जिन्होंने घर की सरकारें बना रखी थी, घर की पार्टियां बना रखी थी, जो ये चाहते हैं कि सुबह मेरा लड़का शपथ ले। कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती क्योंकि लड़का शपथ नहीं ले रहा है, शपथ नहीं अभी लेगा, शपथ तो 2.5 साल बाद लेगा ना जी, अभी तो चुनाव नहीं है, ना कोई ऐसी स्थिति है कि चुनाव होगा। तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस को अपने आप में मजबूत रखना तो सबको साथ लेके 2024 में चुनाव में एकजुटता कैसे बनेगी अगर ऐसी जनता होगी? फूट कैसे दूर होगी, जो फूट पड़ी है कांग्रेस में, जो फूट पड़ी है, छह चेहरे सामने आए हुए हैं, छह छह फूट है, उनको कैसे आप दूर? समरसता बरतनी पड़ेगी, संयम से एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा, बाद में कौन क्या बनता है उसको एक बार आपस में समझौता करना पड़ेगा। एक आदमी ये कहे कि मेरे से सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उदाहरण ले लो, 58,000 वोट, 59,000 वोट आती हैं अपना इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में 6,000 वोटों से जीतता है अभय चौटाला, और वो पिछली बार 12,000 से जीतता था। आप एनालिसिस करो ना, वो पिछली और वो उस टाइम इलेक्शन था जब किसान विरोध था, पूरा विरोध के चरम सीमा पे किसान था और मतलब पूरे विरोध में वो इलेक्शन हुआ था। अगर आज इलेक्शन होता है तो क्या पृष्ठभूमि है, ये भी अपने आप में एक झांकने की बात है। कोई आदमी ऐसा है साथ रहते हैं और ये कह दे कि आपको मैं मतलब अंतर्यामी बोलते हैं, कुछ अंतर्यामी भी हैं साथ में जो गाइड करते हैं, रात को बात कहीं और करते हैं रिश्तेदार पे, दिन में साथ रहते हैं और रात को फिर अपने रिश्तेदार को बताते हैं कि आज, क्योंकि साथ वाला भी आपको कमजोर करने अगर कोई चाहे ना, ये मेरा साथ देने वाला है। तो पॉलिटिकल आदमी आप पॉलिटिकल में मार दो, पॉलिटिकल दुश्मन होता है, ठीक है मैंने इसको खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया, लेकिन पार्टी को खत्म करने पर लग रहे आप तो। पॉलिटिकल बात जायज हो सकती है कि मेरा दुश्मन ये है और मैं इसको खत्म, आपने बहुत से को खत्म किया होगा, वो आपका जनाधार है, आपका अपना व्यक्तित्व है कि आप पॉलिटिकल रूप से कितने आगे चले गए, लेकिन पार्टी को अगर कोई खत्म करने की कोशिश कर रहा है वहीं पर रह के, तो इससे बड़ा आघात इस प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। मेरे अपने शब्द हैं जी। सर, पार्टी के खिलाफ या विशेष घर के खिलाफ है जी? G23 वाले से जो ग्रुप है सर, जो उसके जो भी उसके नेता हैं, वो पार्टी के खिलाफ या फिर एक विशेष घर के खिलाफ है? वो घर के भी खिलाफ हैं और पार्टी के खिलाफ तो अपने आप ही हो गए, जब वो उनकी किसी प्रकार की मतलब लीडरशिप को स्वीकार नहीं करते, करते हैं तो उनको देख के करते हैं और बाद में फिर ऐसा मतलब ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा वो है, मतलब आप इस गहराई में जाओगे तो बहुत सी बातें निकल के आएंगी। तो मंशा क्या है? आपने कहा ना पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, मंशा इसके पीछे मंशा है? मंशा ये है, मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ कि भाई एक हो जाओ, एक होके चुनाव जीते, इस वाले को भी आप एक करना चाह रहे हैं,
भाई जी 23 से रिक्वेस्ट है, वो उनमें भी अच्छे नेता हैं, उन्होंने भी देश को आगे लाने में उनका भी योगदान रहा है। 70 साल ऐसे सरकार नहीं चली है, अच्छे बुरे सब सब की राय ली जाए, सबको बताया जाए, लेकिन जो आदमी पर्सनल तौर पे विरोध कर रहे हैं और अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, समाज मेरा हरियाणा करोड़ों जनता है यहाँ पे, विशेष आदमी नहीं है कि भाई बेटे का बेटा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका बड़ा उदाहरण आप पंजाब में देख सकते हो। ये नहीं है कि आम जनता में से आदमी भी आ सकता है, आम नागरिक भी आ सकता है, ये नहीं है कि भाई हमने यहाँ पे कब्जा कर लिया है और इस कब्जे को हमने हटाना नहीं है। चेहरा बदलने की जरूरत है, चेहरा ठीक ठाक आएगा, सबको साथ लेके चलेगा। अरे यहाँ तो लिस्ट नहीं आउट होने देते, संगठन नहीं बना इतने दिन से, आप इस बात को क्या लगा रहे हो, किसकी वजह से रुका हुआ है, कौन आदमी है इतना प्रभावशाली जो उसको रोक देता है, उसको रोक देता है, ये सारे विषय हैं जी। प्रभारी जी हैं, 4 बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, उन्होंने 20 बार, शैलजा जी हमारी निष्ठावान है, ईमानदार है, आपको बता दूं मैं अध्यक्ष जो उससे पहले अशोक तंवर था उसका क्या हाल था आप देख लो भाई। जिसको पॉलिटिकल चलेगा, पॉलिटिकल बात अलग है, लेकिन जब चलाओ ना, जब आपके हाथ में कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ आने के बाद ही चला लो, वो बात अलग है। आज ऐसे क्या बात है कि आपको पार्टी के नेताओं के बारे में बोलना पड़ रहा है? हाँ जी, आज ऐसे क्या बात हुई कि आपको अपनी पार्टी के बारे में बोलना पड़ रहा है? मैं बिल्कुल दुखी हृदय से, जो मैंने यूपी का चुनाव देखा और जनता से मिला और जनता के प्रति अब क्या आक्रोश है, मैं उसके खिलाफ भाई एकजुट होने की जरूरत है। अलग अलग चलोगे तो कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा दूर दूर तक। क्या लगता है आपको इस वीडियो को देखने के बाद एकजुटता बनेगी? मैं तो अपना ये संदेश मैडम जो हमारी अध्यक्ष हैं उन तक भी आपके माध्यम से, सिर्फ मेरा तो एक मोटिव यही था, मैं तो आज से आज पहली बार आपसे मुखबिर होया हूँ, ना कभी मैं मिला, अभी जानते हैं तो थोड़े लेवल के कुछ 2-4 में ना जाना थे जी, ना मैं इतना बड़ा नेता हूँ, ना मेरी कोई पृष्ठभूमि नेताओं वाली है, ना मैं ना कोई चुनाव में कोई इतना बड़ा काम कर रखा। मेरे एक बंदर रोष था भाई, जिसके प्रति आप दिन रात फिर रहे हो, जिनके साथ आपके संबंध है, मैंने कहा जी आप इतने नंबर पे हो और दुनिया कोई ताकत, अगर मैं कहूँ कि आप पहले नंबर पे हो तो वो बातें चलेंगी नहीं आप, क्योंकि आज हर एक आदमी समझदार हो गया। जब रिक्शा वाला भी बात नहीं करता और वो भी ये कहता है कि नहीं, तो हम बहुत आश्चर्य पे खड़े हैं। तो क्या मानते हैं आप, जैसे कांग्रेस खत्म होने के लगभग कगार पे आ चुकी है, प्रदर्शन खराब हो चुका है बहुत बुरी तरह, और गुटबाजी जब से सरकार भाजपा आई है, उससे पहले कांग्रेस गई, तब से गुटबाजी लगातार सामने आ रही है, गुटबाजी कैसे खत्म होगी जो आज तक नहीं हुई, आगामी चुनाव नजदीकी है? बड़े घर को, मैडम सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा किस प्रकार की विचारधारा वाले लोग हमारे साथ हो। जिन लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ ले लिया, जिन्होंने बहुत कुछ कर दिया, जिनके पास अपार संपत्तियाँ हैं, उनके बिजनेस हैं, कोई उनके पास कोई इंडस्ट्रियाँ वगैरह नहीं थी, लेकिन अपार अपार से अपार जो प्रदेश में बदलने को लेने देने की हिम्मत रखते हैं भाई, उनसे मतलब ना कुछ ठीक करके आम आदमी के बीच जाया जाए, आम आदमी की समस्या सुना जाए, उनसे मिलने का टाइम दें, उनकी पीड़ा को समझे। यानी कांग्रेस मतलब इस हादसे पे है कि मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। संजीवन जी, लेकिन पुत्र मोह जो सिंहासन, पुत्र के लिए सिंहासन देख रहे हैं, वो कांग्रेस को एकजुट कैसे होने देंगे ये बताइए। जो पुत्र मोह में है, पंजाब का उदाहरण आपके सामने आ गया, यूपी का उदाहरण आपके सामने आ गया, पुत्र मोह है, मुलायम सिंह आ गया, अखिलेश आ गया, सुखबीर बादल आएगा, प्रकाश सिंह बादल आएगा तो सुखबीर चला जाएगा। घरों की जो पार्टियां हैं, पार्टियां नहीं थी कुछ तो ऐसे गैंग थे, उनको पार्टी का रूप दिया गया है, जो अपने अनुसार चलाते हैं, अपने अनुसार करते हैं, क्योंकि वो बड़े विद्वान हैं और बड़े पौधे वाले और पैसे वाले हैं। पर सर, सीएम चन्नी भी बदला गया था रातों रात, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो आम चन्नी जी एक कांग्रेस की बहुत बढ़िया रणनीति के तहत उसको बनाया था, वो गरीब आदमी, आम घर से आदमी था, वो क्या किन कारणों से वहाँ की आपसी फूट या वहाँ पे किसी को चेहरा दूसरे को सीएम घोषित ना हुआ, क्या कारण थे इस बात का? चन्नी एक उस परिवार की, उस घर की अध्यक्षा की एक बहुत बड़ी सोच थी, मतलब एक ऐसा आदमी बना दिया था जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम, तो उन्होंने बहुत कुछ आज हादसे पे, इसलिए कि मजबूरी है, लोग किस वजह से खिलाफ हैं, कैसे हैं, उनकी क्या मनसा है, ये पढ़ रहे हैं हम जाके। लेकिन आप भी मानते कि पंजाब की जनता की अगर बात की जाए तो जनता ने नहीं नकारा, आपके कांग्रेस ने ही नकारा, क्योंकि सिद्धू खुद चन्नी की चवन्नी नहीं चलने के जनता के बीच में मैसेज देते आए। आपसी फूट ले मरी कांग्रेस की हमारे को, आपसी फूट
मैं कहना चाहूंगा ऐसे लग रहा है आपको करनाल के अंदर भी ऐसी आपसी फूट है। यहाँ तो सारी बिल्कुल आपसी फूट है जी, आप हरियाणा प्रदेश में कहीं चले जाओ आप ये देखो ना भाई, जो आज मैं कह रहा कि जो आज कार्यक्रम करते फिर रहे हैं भाई, उसमें वो विधायक हैं जो उसके अनुसार चलते हैं, एक को हटा के दूसरे को राज्यसभा, आप सारे कारण नोट करो ना भाई, एक वो आदमी जो सारे सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है भाई, कब्जेदारी को हटाने वाले भी फिर दूसरे लोग आ गए हैं, अगर हम आपस में ठीक ठाक नहीं हुए तो दूसरे हटाएंगे अगर ठीक हो जाए। लेकिन सुरजेवाला ने तो अमरिंदर सिंह को दोषी, अमरिंदर सिंह को कहा है कि अमरिंदर सिंह से नुकसान हुआ पंजाब। अमरिंदर सिंह तो पॉलिटिकल आदमी था बहुत बड़ा, आप कॉमेडियन की और पॉलिटिकल आदमी की तुलना करोगे तो मैं कह नहीं सकता, सिद्धू इज कॉमेडियन, अमरिंदर सिंह इज पॉलिटिशियन, क्या बात है, जिसने 46 साल उनके साथ रहा जी, वो तो पंजाब की राजनीति उससे स्टार्ट होती है। एक वीडियो वायरल हुआ था हुड्डा जी का भी खट्टर जी के साथ, क्या लगता है मिठाई खाते चक्कर में वो मिठाई देने गए थे? नहीं देखो तो अब खट्टर जी जीत रहे हैं, वो विधानसभा का सत्र चला है, राजनीतिक आदमी है, जब राजनीतिक आदमी दो पार्टियों के राजनीतिक आदमी मिलते हैं तो वो मनमुटाव तो होता नहीं, वो आपस में भाईचारा तो वही होता है, वो अंदर होता है जो स्थिति, वो बाहर ऐसी स्थिति नहीं होती, और वो आपस में ठीक है, उनकी सरकार बन गई, वो मिठाई देने आए तो हुड्डा साहब ने वो स्वीकार कर ली, हुड्डा साहब नैतिकता के आधार पे और दृष्टिकोण के आधार पे तो मतलब अपनी सारी चीजों को वो ठीक करते हैं, आम जन में भी उनके कोई ऐसी बात थोड़ी है संजीवन जी, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनको देखना पड़ेगा, नकारना नहीं पड़ेगा, अपने निजी स्वार्थ के लिए आप प्रदेश को बलि नहीं चढ़ा सकते। अब आप ये बताइए कि कांग्रेस के बारे में अब आप खुद कह रहे हैं आपसी कलह है, लोगों ने खत्म कर दी कांग्रेस के, डूबता जहाज है, अब आप क्या करेंगे, पार्टी में रहेंगे या आपने भी कोई और विकल्प जो है देखा हुआ है? हमारा कोई विकल्प नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, मेरा किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, हम तो एक मैं कार्यकर्ता हूं जी, कोई पदाधिकारी भी नहीं, मैं कार्यकर्ता के रूप में सेवा करता से ही पार्टी हाँ कार्य पड़ती है, रीढ़ की हड्डी है, इसको समझने ना समझने की शक्ति कुछ लोगों को है कुछ को है, तो मैं कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस हमारी मतलब सब कुछ है, ये कोई ऐसी 1% भी ये सोचने की जरूरत नहीं भाई हम कहीं, लेकिन कांग्रेस को अगर ऐसे ही खत्म किया जाएगा तो कांग्रेस कांग्रेस रह जाएगी, आदमी नहीं रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। संजीवन जी, अलग अलग पार्टियों के आपके पास कई फोन भी आ चुके हैं? नहीं, मेरे पास कोई फोन नहीं, मेरे किस संबंध नहीं, मैं झूठ कह दूं आप तक, मेरे पर नहीं किसी का फोन, मेरे पास फोन आए हैं आज सुबह ठीक ठाक आदमियों के कि आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, मतलब एक मैसेज कन्वे किया कि भाई ऐसे ऐसे पत्रकार को बुलाया जाए, मेरी भाई साहब से बात हुई कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे जाते हैं 10-12 साल से, लोगों के संपर्क में है, मतलब सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट आना जाना, लोगों के समाज की सेवा भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो बताया जाए कि भाई हमारा स्थान तो जीरो है जी, ना हम किसी पद पर या इतने बड़े रहे हैं, मर रहे हैं लोग जिनके आगे बच्चे चले गए या फिर जिन्होंने कब्जा कर रखा और जो सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहते, इधर से इधर है 2000 की संख्या है ब्यूरोक्रेट समेत, आप नोट करना 2000 से ऊपर फिगर नहीं बनेगी, 121 करोड़ की जनसंख्या है, 2000 आदमी ऐसे हैं जो इधर से इधर है और इधर से इधर। तो संजीवन जी, अब चुनौती नहीं है बड़ी, क्योंकि पंजाब में जिस तरह आम आदमी पार्टी सामने आई है, पहले बीजेपी से लड़ना पड़ता था, लेकिन शायद अब हरियाणा में आ गए बीजेपी आम आदमी पार्टी, इनसे भी चुनौती होगी अब जबकि घर में कलेश है। चलो आप अभी तो मतलब इतना ऐसा हर एक स्टेट का आप अपना रंग होता है, आप यूपी चले जाओ तो आम आदमी पार्टी ने वहाँ क्यों नहीं कमाल कर दिया, उत्तराखंड चले जाओ आप वहाँ क्यों नहीं कमाल कर दिया, आप इस बात को एक टेक्निकल ले कि 32% दलित है वहाँ पे, पंजाब में दलित की संख्या जो है वो 32% है, पंजाब में 3 सीटें आई थी जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस टाइम आंदोलन कगार पे था, अन्ना का आंदोलन था और वो कगार पे था, उस साइड से 3 सीटें जीत गए थे, उसके बाद इनकी विधानसभा में पिछली बार 17 पता नहीं 18 जो भी है अभी इतनी फिगर है, इतनी सीटें आ गई थी, पंजाब की जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया और पंजाब की जनता ने अकालियों को भी देख लिया, उनका मन एक बदलाव की स्थिति में आ गया, भाई इनको तो देख लिया अब इनको इतनी बड़ी लहर और इतना बड़ा मैंडेट आना, आप ये समझो ना कि उन्होंने तो दोनों पार्टी को धराशायी कर दिया। सर उन्होंने ऐलान करा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या ये एक बड़ा फैक्टर है? ये बड़ा फैक्टर है, उन घोषणाएं तो उनकी सबसे ज्यादा है, ये वो धरातल पे कितनी रहेंगी नहीं रहेंगी ये तो 6 महीने बाद पता लग जाएगा, धरातल पर अगर उतरती है तो हरियाणा के लिए खतरा है। देखो भविष्य की चिंता में एक बहुत बड़ा पंडित और एक बहुत बड़ा हरियाणा के अंदर भविष्यवाणी करने वाला एक बहुत बड़ा ब्राह्मण भी है,
जो आई बार ये कहता है कि आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठोगे, वो साथ भी रहते और सपने भी। मैं इतना बड़ा ना तो भविष्यवाणी कर सकता, ना मैं इतना बड़ा पंडित हूँ। भविष्य के गर्भ में क्या है वो उस स्थिति बताएगी जब चुनाव हो। संजीव जी, आपने खुद कहा कि मैं हर आदमी तक पहुँचा हूँ, जनता तक पहुँचा हूँ, जनता तक पहुँचा हूँ। अब जनता के मन के टटोलने की बात करें तो जनता के मन में क्या है, पंडित नहीं बताते तो पॉलिटिशियन बता सकता है, पत्रकार बता सकता है कि जनता के मन में क्या है, क्या टटोला आपने? मैंने जनता के मन में वहाँ टटोला, वहाँ 65 से 70% 70 नहीं कह सकते 80 ब्राह्मण बीजेपी के साथ चला गया। वहाँ पे ठाकुर जो था 71 से लेके 80% उसको सारे बोल दो आप, वो बीजेपी के पास चला गया। उसके बाद तीसरी कम्युनिटी थी वहाँ बनिया, बनिया वर्ग, वो सारा नेक टू नेक बीजेपी के पास चला गया। उसके बाद ओबीसी वर्ग 68-70 जो भी है, जो उसको मोदी को अपना मानता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है पूरे प्रदेश में, आप हरियाणा कहीं भी आप चुनाव ले, बीसी एक ऐसा फैक्टर है जो प्रधान को अपना समझता है, और वो सारा किसके साथ चला गया, बीजेपी के साथ। जितना एससी का जो वोट था वो कुछ मायावती के कहने से लगा लो, उसकी कमजोरी लगा लो, वो भी सारा सीट हो गया। हमारे पास 403 सीटें हमने लड़ी हैं, हमने कैंडिडेट खड़े किया, हमारी प्रमुखता इस बात की है कि हम हर एक सीट पे गए, हर एक सीट पे हमारा कार्यकर्ता लड़ा, हर एक बूथ पे चाहे हमारी 2 वोट निकली, वोट निकली है, ये नहीं है कि हमारी वोट नहीं निकली है, 14 लाख वोट आई है हमारे पास। परसेंटेज जरूर कम हो गया पिछली बार से, लेकिन वोट 14 लाख आई, लेकिन हम हरे पहले किसी के साथ लड़ने से हम इंडिपेंडेंट लड़े हैं। हमारी सीटें कुछ कम हुई लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता, मेहनत करते हैं तो आदमी कहीं ना कहीं कायम हो जाता है। और वो सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन, सक्सेस इज जर्नी, मतलब ये शब्द हैं एक फिलोसफर के। तो भाई आपकी यात्राएं हैं तो चलती रहेंगी, आज कम है कल ज़्यादा है, आप आम आदमी पार्टी को कल क्या देखते थे आज क्या है, तो ये तो विकल्प हैं सबके, पता नहीं कब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये गर्भ में है। मैं ये कोई ऐसी गर्भ की बात नहीं करना चाहता कि कल क्या होगा, ना मैं कोई अंतर्यामी हूँ, ना कोई मैं बड़ा ब्राह्मण हूँ जो अगली बात बताऊँ। सर कहने का मतलब है पार्टी एकजुट होनी चाहिए। मेरा आज का लक्ष्य था पार्टी एकजुट हो जाए, सब इकट्ठे होके काम करो। सत्ता कब आएगी नहीं आएगी ये गर्व की बात है, जो सपने साकार करना चाहते हैं सपने इतने आसान नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन सब समझ चुकी है। जो पूरे जिम्मेवारी लेके चलते थे बरादरी की और उसकी या किसी चीज़ की, उनको लोगों ने नकार दिया है। धरातल पे वही रहेगा जो आम आदमी की बात करे। 2024 में चुनाव है, हाँ जी, और आपका कहना कि पार्टी एकजुट हो, हाँ जी, तो पार्टी एकजुट नहीं होती है तो नतीजे क्या होंगे? बस नतीजे जनता के सामने है, आपके सामने है, मैं तो इसमें नतीजे तो आपके सामने है, मैं तो इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं कर सकता। वो तो जनता की आवाज, जनता जिसको चाहेगी उसी को वोट देगी। यानी अगर एकजुट नहीं होते तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में अगर पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा तो पार्टी अपना अस्तित्व, भविष्य का जो अस्तित्व वो खत्म। हमारे पास ऐसे ऐसे पार्टी के नेता हैं जिनकी बहुत साफ सुथरी छवि है, जो ईमानदारी से भरे हुए हैं, सबको अगर एक समान समझे वो गलत प्रतीक्षा हो सकती है। राहुल गांधी जी बिल्कुल, अगर आप किसी चेहरे को बार बार ऐसे दिखा दोगे, बार बार ऐसे दिखा दोगे तो उसकी मनसा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हमारे पास इतने कद्दावर और बड़े बड़े नेता हैं जिनकी कोई तुलना नहीं है। आज 70 साल से देश किसने चलाया, आज ही तो 8-10 साल से, अभी तो देख तो फिर केंद्रीय नेतृत्व तो क्यों नहीं उन चेहरों को सामने ला पाता, क्यों नहीं चुन पाता जिस समय ये स्थिति आती है चुनने की, दबाव CWC की मीटिंग है, उसके बाद सबसे विज्ञप्ति ली जाएगी। मैंने भी आज अपने प्रेस के माध्यम से कुछ ना कुछ वहाँ पहुँचे, इतनी मेरी ताकत नहीं है, लेकिन मेरी संदीप सिंह है वहाँ पे, वो एक दो ठीक आदमी है जिनसे बात हो रही है, उन्होंने मीटिंग करानी है, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, तो उनसे बात हुई थी, तो कुछ ना कुछ मौका भाई हम अपनी बात भी रख दें, भाई जनता क्या समझती है और आप कहाँ चलते। आगे का कार्यसर क्या रहेगा अब? हमारा तो आगे से कार्यसर ये है कि हमारी जो बहन कुमारी शैलजा हैं वो अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष की बहुत बढ़िया जिम्मेवारी निभा रही हैं, वो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और सबको साथ लेकर चलने वाली है। वो ये नहीं समझती कि वो कौन किसका है किसका ना, उसके पास ऐसी बातें हैं। जो लोग अपने आप को बड़े समझते हैं या अपने आप में, वो उनको भी साथ आ जाए तो किसी प्रकार की कोई चिंता करने की बात नहीं। संजीवन जी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, चर्चा है? मैं ये तो गर्व की बात है, कौन किसमें शामिल होगा किसमें नहीं होगा ये तो उन्हें देखना है। हम तो कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं,
कांग्रेस पार्टी के साथ हमने रहना है, कांग्रेस किस अस्तित्व में है, किस अस्तित्व से उसको बाहर निकालना, ये हमारी मंशा है। संजीवनी कई चेहरे हैं हरियाणा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा सुरजेवाला, किरण चौधरी, इनमें से कौन सक्षम है पार्टी को एकजुट करने में? ये सारे चेहरे हैं जी, आप अपने एकजुट करने में कौन सक्षम है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा की बात करें तो उनकी तो आपस में ही बनती नहीं, बनती क्यों नहीं? आपने क्या कह दिया ये बनती नहीं है? आप कह रहे हैं तो आपका माध्यम है, वो केवल किस स्टेज पे आके कहाँ बात करते हैं, आपस में क्या बात करते हैं, तो कौन सा चेहरा है जो पार्टी को एकजुट कर सकता है? पार्टी को हाईकमान एकजुट करेगा, सब इकट्ठे होके चलेंगे जब सरकार बनेगी। पार्टी हाईकमान तक तो बात ही नहीं जा रही है, हाईकमान तक नहीं, कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं, बात नहीं नहीं सब एकजुट है। जो एकजुट कहते हैं कि एकजुट नहीं है, एकजुट वो है जो अपने आप को एकजुट रखते हैं। हरियाणा में कौन कौन एकजुट है? 6 ग्रुप हैं, हुड्डा ग्रुप है, किरण चौधरी, शैलजा, सुरजेवाला, इसमें से कौन से एकजुट है ग्रुप? ऐसा है जी, सब अपने अपने स्थान पे अपना अपना अस्तित्व रखते हैं, सब की आप अपनी विचारधाराएं हैं, सब आप अपनी जगह अपने आदमियों के साथ रहे। पार्टी में फूट है या नहीं है ये क्लियर करें। पार्टी में फूट है जब भी तो हम हादसे पे हैं, तो अगर फूट नहीं होती तो हम हादसे पे थोड़ी होते। तो हम भी तो ये पूछ रहे कि कौन एकजुट कर सकता है, 6 चेहरे हैं, कौन एकजुट कर सकता है, कौन सक्षम है? एक तो पुत्र मोह में है, सिंहासन दिख रहा है, तो आप बताइए कौन सक्षम है? संजीवन जी 6 चेहरे हैं। ऐसा है जी, जो पुत्र मोह में है, पुत्र मोह तो कबैम पंजाब में सबका निकल चुका है। प्रकाश सिंह बादल पुत्र मोह में था, अगर उसकी मुलायम सिंह की बात करें वो पुत्र मोह में थे। हरियाणा में कौन सक्षम है इन चेहरों में से जो पार्टी को एकजुट कर आगे ले जा सकता है? हरियाणा में सारे इकट्ठे हो जाओ और सारे इकट्ठे होकर चले, नहीं इनको इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके हाईकमान इकट्ठा करेगा। हाईकमान तक तो बात ही नहीं जाती ना, आज कौन जगह आप, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये इसीलिए तो किया कि वही वहां तक भी हमारा शब्द चले जाए, भाई हम इकट्ठे होके इस काम को सिरे चढ़ा दे, आगे की बात आगे देखी जाएगी। मैं ठीक आदमियों से मिलता हूँ, ठीक आदमियों से मेरी बातचीत है, ठीक आदमियों के साथ मेरा आना जाना रहा है, ठीक आदमी की राजनीति को जानता हूँ मैं। मेरे अंदर अपना दुख था, मैं पिछले 2 महीने से यूपी इलेक्शन था, मैंने धरातल पे इलेक्शन को देखा है, कुछ नैतिक लोगों की जिम्मेवारी मेरे पास थी, मैं संजीवन क्या है क्या नहीं, तो उनके अनुसार फिर मैंने अपने आप को आगे लिया। भाई आज की स्थिति ये है, अगर इस स्थिति को हम ठीक नहीं कर पाए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ तो फूट है ही है, करनाल जिले में इतनी फूट है, 4 गुट बने हुए हैं कांग्रेस के। नहीं ये तो फिर गुट वालों से पूछ सकते हो आप, मैं तो इस बात में क्या दूँ। मैं वीरेंद्र राठौर इतने बड़े नेता है करनाल में, शमशेर सिंह गोगी है, त्रिलोचन सिंह है, इतने बड़े जो वरिष्ठ नेता है करनाल से, और सुमिता सिंह है वो भी, इन्होंने तो चुनाव लड़ रखा, ये तो हमारे बने, इनकी परिभाषा मैं दे नहीं सकता जी, उनके बड़े कद हैं, वो किस अनुसार इकट्ठे हैं इकट्ठे नहीं है, भाई इकट्ठे होके काम चलेगा, बिना इकट्ठे हुए काम नहीं, सब एक अलग अलग से, वो उसके कोई आयोजन करते उसमें नहीं जाते, वो उसके साथ नहीं जाते, एक साथ नहीं लगते। तो अपना ही परिवार में, अपना ही परिवार इकट्ठा नहीं होता, हरियाणा की जनता के परिवार को कैसे इकट्ठा कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? तो करनाल में नहीं इकट्ठा, एक ही परिवार, ये तो समझ लो करनाल मोहल्ला है, पूरे प्रदेश को कैसे इकट्ठा कर पाएगी आम जनता को? हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे जी, सबके पास जाएंगे, सबको अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, सबको मैसेज अपना कन्वे करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपके पास क्या सुझाव है इन दिग्गज नेताओं के लिए, क्योंकि एक आप भी एक सलाह दें, एक दिग्गज नेताओं के लिए आपके पास क्या सुझाव है कि हरियाणा के नेता, हरियाणा की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी का को समर्थन करे, आपके पास क्या सुझाव? हरियाणा के कुछ ऐसे प्रभावी नेता भी हैं जो सारे सिनेरियो को चेंज कर देते हैं, जहाँ वो जाते हैं उनका आप अपना हर एक जगह प्रभाव है, किसी का किसी क्षेत्र में प्रभाव है, किसी का किसी क्षेत्र में प्रभाव है, और वो जिता के भी जाते हैं, उनका प्रभाव है बहुत ज़्यादा, लेकिन सबका आप अपने क्षेत्र में प्रभाव है। अगर वो आप अपने क्षेत्र से जाके एक सम्मिलित हो जाए और बाद में अपने आप को स्थापित कर दे कि ये है, और या हाईकमान उसको स्थापित करे, तो बाद की बात है, पहले तो अभी कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक। संजीव, जब तक पुत्र मोह खत्म नहीं होता क्या ये संभव है? मैं इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस में जो है गुट बनते जा रहे हैं, उसी तरह आपने देखा पंजाब में किस तरह से कांग्रेस जो है चुनाव हारी है। अब देखने वाली बात रहेगी कि हरियाणा में कांग्रेस का क्या होता है, किस तरह से कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने आज अपने ही लोगों से अपील की है कि एकजुटता दिखाओ, वरना कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो देगी। सभी से अपील करूंगी वीडियो को आप शेयर जरूर करें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से, आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।